हेलो फ्रेंड्स, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे एंड दैट टॉपिक इज टूथ एक्सट्रैक्शन एंड सॉकेट प्रिजर्वेशन। पहले मैं दोनों टर्मिनोलॉजीज को अलग अलग समझाता हूँ। व्हाट इज टूथ एक्सट्रैक्शन? नॉर्मली हम कभी भी नहीं चाहते किसी दांत को निकालना पड़े। हम किसी भी तरह से कोशिश करते हैं कि उस दांत को हम रूट कैनाल करके या किसी भी तरीके से उसको प्रिजर्व करें। बट समटाइम्स वी एंड अप इन अ सिचुएशन जहाँ पे उस दांत में कोई स्ट्रेंथ नहीं बचती या वो बोन लॉस उसके अराउंड कंप्लीट हो चुका होता है कि वो दांत नहीं बचाया जा सकता। उस कंडीशन में हमें दांत को निकालना ही पड़ता है एंड दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड एज टूथ एक्सट्रैक्शन। सो नॉर्मली सब लोग यही समझते हैं कि ट्रीटमेंट यहीं ख़त्म हो जाता है और इसी मिथ को बस मुझे आज इस वीडियो के थ्रू आपको करेक्ट करना है। ट्रीटमेंट यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। देर आर लॉट ऑफ प्रोसेसेस आफ्टर दिस विच इज़ वेरी एसेंशियल। सो फर्स्ट प्रोसेस इज कि जब हमने दांत निकाला, हमें दांत निकालते टाइम ही सबसे पहले ये सोचना है कि दांत को रिप्लेस कैसे करें। बॉडी में हमारे कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा या बेकार में नहीं है। हर टूथ का एक रोल है। सो अगर हम किसी दांत को निकाल रहे हैं तो हमें ये सोचना है कि उसको रिप्लेस कैसे करना है। सिर्फ विजडम टूथ के लिए रूल अलग होता है। विजडम टूथ को नॉर्मली हम लोग रिप्लेस नहीं करते हैं, बट उसके अलावा कोई भी दांत अगर हमें निकाल रहे हैं तो उसको हमें रिप्लेस करना है। द बेस्ट ऑप्शन ऑलवेज इज़ इम्प्लांट, कि हम वहाँ पर एक नया दांत नीचे से ऊपर तक पूरा बना देते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, जब हमने एक्सट्रैक्शन किया या दांत निकाला तो उस जगह की हड्डी जो है वो धीरे धीरे टाइम के साथ घुलने लग जाती है। जैसे मसल्स के साथ होता है, व्हेन वी गो टू जिम एंड वी डू एक्सरसाइज, वो मसल्स जो हैं स्ट्रांग होते हैं, बल्कि होते हैं, और जैसे ही हम एक्सरसाइज छोड़ देते हैं वो मसल फ्लैसिड हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारी बोन भी ऐसे ही रिएक्ट करती है। जब उस बोन में दांतों की जड़ें होती हैं तो वो बोन पूरी बनी रहती है, बट द मोमेंट वी रिमूव द टूथ वो बोन को ये सिग्नल मिलता है दैट आई एम नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। अब अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, हम बाकी दांतों से खाना तो खा पाते हैं तो इसलिए हम उस जगह पे ध्यान नहीं देते, बट जब उस जगह के दो या तीन दांत निकल जाते हैं देन वी सडनली रियलाइज कि अब तो हम एक साइड से खा ही नहीं पा रहे हैं एंड देन वी वॉन्ट टू गो एंड गेट इम्प्लांट्स डन। और फिर जब डॉक्टर्स हमें बताते हैं कि नहीं आपके तो बोन पूरी ख़त्म हो चुकी है, वी कांट डू एन इम्प्लांट, देन वी एंड अप इन अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। सो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि जब हम दांत निकालें उसी टाइम पे हम कुछ बोन ग्राफ्ट और कुछ ग्राफ्टिंग मटेरियल ऐड करें वहाँ पर, जिससे कि बोन की विड्थ हमेशा बनी रहे, ताकि जब भी आप रेडी हो रिप्लेसमेंट के लिए, चाहे एक महीने बाद चाहे तीन महीने के बाद, वो बोन वहाँ पे डेफिशिएंट नहीं होगी और हम वहाँ पर इम्प्लांट कर पाएंगे। सॉकेट प्रिजर्वेशन इज़ एन एब्सोल्युटली पेनलेस प्रोसीजर। कोई उसमें एडिशनल चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है। थोड़ा सा ग्राफ्ट मटेरियल होता है जो हम पेशेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सटर्नली भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक अ पाउडर विच वी कैन एड ऑन टू दैट प्लेस, और वो हेल्प करता है बोन फॉर्मेशन में उस जगह पे लेटर ऑन। सो इस तरीके से वी मेक श्योर कि जब भी हम बाद में उस जगह पे हमें रिप्लेसमेंट करना है तो वहाँ पर बोन रेडी रहेगी। कई बार ऐसा भी होता है, हमने सारे दांत निकाल दिए और अभी हमने ट्रीटमेंट नहीं लिया। जब पेशेंट डेंचर बनवाने के लिए, चाहे इम्प्लांट ना भी करना हो, डेंचर बनवाने के लिए हमारे पास आते हैं तो बोन पूरी डिसॉल्व हो चुकी होती है, सिर्फ तीखे तीखे एजेस रह जाते हैं। अब उस पर डेंचर बनाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए टूथ एक्सट्रैक्शन और सॉकेट प्रिजर्वेशन, दीज आर टू थिंग्स विच गो साइड बाई साइड। इनको एक साथ ही हमें हमेशा सोच के चलना है। जब भी दांत निकलवाएं हमेशा सोच के चलें कि उस जगह की बोन को कैसे प्रिजर्व करेंगे। आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेरीज। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी और क्वेश्चंस हो, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। वी विल रिप्लाई बैक टू देम एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।